नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूँ राधिका। कोरोना वायरस की दूसरी लहर का कहर अभी खत्म नहीं हुआ है और तीसरी लहर का आने का भी अंदेशा है। कोरोना के नए मामलों में तेजी चिंता बढ़ाने वाली है। रोजाना 40,000 के आसपास मामले बने हुए हैं। इस बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सितंबर एंड तक कोविड-19 की वैक्सीन की बूस्टर डोज पर रोक लगाने की अपील की है। WHO ने गरीब और अमीर देशों के बीच वैक्सीनेशन में डिस्क्रिपेंसी पर चिंता जताई है। WHO के महानिदेशक टेड्रोस अधोनम ग्रेबियसिस ने जिनेवा में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि अमीर देशों में प्रति 100 लोगों को अब तक टीके की करीब 100 खुराक दी जा चुकी है, जबकि टीके की आपूर्ति के अभाव में कम आय वाले देशों में प्रति 100 व्यक्तियों पर सिर्फ 1.5 खुराक दी जा रही है। उन्होंने कहा, हमें वैक्सीन का बड़ा हिस्सा ज्यादा आय वाले देशों में जाने देने की नीति को फौरन बदलने की जरूरत है। इसी वजह से WHO बूस्टर डोज दिए जाने पर कम से कम सितंबर के आखिरी तक रोक लगाने की अपील कर रहा है, ताकि कम से कम 10% आबादी को टीका लग जाए। WHO ने अमीर देशों से अपील की है कि वो विकासशील देशों तक टीकों की पहुंच में सुधार के लिए और कदम उठाएं। WHO की तरफ से कोरोना को लेकर नए बुलेटिन में ये जानकारी मिली है कि वैश्विक स्तर पर पिछले हफ्ते कोविड-19 के 40,000 नए मामले सामने आए। संक्रमण के मामलों में तेजी मुख्य तौर पर पश्चिम एशिया और एशिया में संक्रमण के नए मामले से हुई है। हालांकि पश्चिम एशिया और एशिया में मौत के मामलों में एक तिहाई से ज्यादा तेजी हुई। पिछले हफ्ते कोविड-19 के सबसे ज्यादा नए मामले अमेरिका, भारत, इंडोनेशिया, ब्राजील और ईरान से सामने आए हैं। दुनिया में 130 से ज्यादा देशों में डेल्टा वेरिएंट से संक्रमण के मामले सामने आए हैं, जिसकी पहचान सबसे पहले भारत में हुई। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।